जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करेंट फीलिंग्स पे। करेंट फीलिंग्स पे करने वाले हैं। आपको किसी के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है, फिर एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। तो डियर, आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है, और जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 28 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है पी ओ एस वी बी डी जे ए टी, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि। एयर साइन भी है मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये किसी काम को अभी ये करना नहीं चाहते। ये उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या करें, इसे अभी मतलब करें या फिर ना करें, मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति इनकी ज़्यादा है। हो सकता है कि आप इनसे कोई बात पूछ रहे हो या फिर कुछ इनके बारे में बता रहे हो, तो अभी ये बहुत सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपको लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में कि आप इनके लिए ठीक हैं या फिर नहीं ठीक हैं, ये क्या करें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हों, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी बातें बताने की कोशिश भी की ना, तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो उस बात को बताने के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि बताएं या फिर रहने देते हैं, जैसा चल रहा है ऐसे चलने देते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है और फिर कोई ऐसी बात होती है जिसके वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, तो इन्हें कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये बताना तो चाहते हैं, लेकिन अभी आपको खोने का या फिर इस रिश्ते में बहुत सारी बातें होने का डर के वजह से ही आपको नहीं बता रहे। तो ये सोच रहे हैं कि अभी इसे नहीं बताते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं। वक्त जो करेगा वो ठीक करेगा। अगर आपको पता चलनी होगी तो पता चल जाएगी, सब कुछ ठीक नहीं होगा तभी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपसे उम्मीद करते हैं कि जब भी आपके सामने कोई इनकी बात आए तो आप इनकी बात पे यकीन करें और इन्हें बताने का मौका दें। हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन मिले हों, इस वजह से भी बहुत सारी बातें इनके मन में आ रही हों कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, अगर बता दिया तो फिर यही बात होगी कि पहले क्यों नहीं बताया, इतने मतलब बात करने के बाद अब बता रहे हो, तो इस वजह से ये बहुत सोच रहे हैं। इनकी कन्फ्यूज़न की स्थिति है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनसे हाल फिलहाल मिले हैं या फिर कुछ महीने पहले मिले हैं, तो ये आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि क्या करूँ, तुम पे भरोसा करूँ, बताऊँ अभी कि अभी ना बताऊँ, शायद तुम नहीं समझोगे, कुछ ऐसा इनके दिल दिमाग में है। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब सही वक्त आए तो तब तक आप समझदार ज़्यादा हो जाए, आपके ऊपर मतलब पास्ट की बातें हावी ना हो। इन्हें लगता है जो पास्ट है वो भूल जाना चाहिए। पास्ट में हम जैसे थे, हमारे साथ जो हुआ
उसके हिसाब से आज के टाइम पे आप इन्हें जज ना करें, ये ऐसा चाहते हैं। धीरे धीरे आपसे प्रेम करने लगे हैं, इन्हें अब ऐसा लगता है कि ये रिश्ता टाइम पास की तरह शुरू जरूर हुआ होगा एक लाइक दोस्त जैसा, लेकिन अब ये आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात ना करते हों ज़्यादा, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपको ये खो ना दे, तो बहुत सारी इनके दिल दिमाग में बातें चलती हैं आपको लेकर के। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को तो पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मतलब सामने वाला पर्सन है वो बोल रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, मतलब ये क्रश वाली रीडिंग एक तरह से है। ठीक है, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं, आपका कोई बॉस है या आपसे कोई सीनियर है, वो आपसे बोल रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, या फिर ऐसे कुछ आपसे बोल रहे हैं कि कभी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, आपकी मदद करना चाहते हैं, या फिर वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, तो डियर ये आप समझ लीजिए कि ये चंद दिनों का प्यार है। क्योंकि इनकी जो एनर्जी है अभी आपकी तरफ, इसलिए इन्हें इतना मतलब प्यार नज़र आ रहा है क्योंकि आप औरों की तरह नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी ना एक मिस्ट्री टाइप में है, आप खुली किताब की तरह नहीं है, आपको बात बात पे रोना नहीं आता, आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी हर किसी को सुनाना नहीं आता, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख है लेकिन फिर भी आप हर किसी से नहीं बताते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो किसी ना किसी को बता देते, किसी से अगर बात किया तो अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी बता दिया, आप ऐसे नहीं हैं, आप काम से काम मतलब रखते हैं। तो डियर इस वजह से आपके बारे में लोग थोड़ा कम जान पाते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा जानने की कोशिश में आपकी तरफ मतलब खींचते रहते हैं। जैसे होता ना कि कोई इंसान बहुत कम बात करता है तो इंसान उसके बारे में बहुत सोचता है कि ये इंसान कैसा होगा, ये तो बात ही नहीं करता है, बोलता ही नहीं है, क्या है क्या नहीं, मतलब उसके विचार चलते रहते हैं। जो ज़्यादा बोलता है वो अपने आप ही अपने बारे में सब कुछ बता देता है, तो इंसान को सब कुछ पहले से पता हो जाता है। तो डियर ये इस वजह से आपकी तरफ मतलब आ रही है। आप हो सकता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, वैसे आप खूबसूरत हैं दिल से भी और आत्मा से भी। तो डियर ये आप समझ लीजिए कि ये अभी कुछ टाइम का अट्रैक्शन है, ये पूरा हो गया ना, आप इन्हें मिल गए, आपके बारे में सब कुछ ये जान गए, इन्हें लगा कि जो किसी मतलब जिसे हर कोई पाना चाहता है, जिससे हर कोई बात करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई, मतलब मेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है, वो मेरा हो गया है, मेरी बात होती है, जब चाहे तब बात होती है, मेरी हर एक बात उस पर लागू होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपके लिए ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, अभी जितनी आपकी फिक्र की जा रही होगी, जितना आपको समझा जा रहा होगा ना, इतना आपको नहीं समझा जाएगा। अभी इनकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से हैं, अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए तो फिर आपको इनके पीछे भागना पड़ेगा, ये आपके पीछे नहीं भागेंगे। आपको लगता है ना कि मुझे जैसा इंसान चाहिए, मुझे समझे, मेरी केयर करे, ये सारी चीज़ें इनमें है। ये एज डिफरेंट भी हो सकता है, ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हों या फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज हों। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरह वाली एनर्जी में है कि पहले ये आपके पीछे भाग रहे हैं। जैसे होता ना कि इन्वेस्ट करना किसी काम में, पैसे को इन्वेस्ट करना, पहले इंसान पैसे इन्वेस्ट करता है, उस काम में बहुत मेहनत करता है, फिर उस काम से वो खुद बैठ करके आराम से अपनी ज़िंदगी को जीता है। तो कुछ इसी तरह से इनके साथ है आपका रिश्ता। अभी जो अपना टाइम, अपना पल, आपकी केयर, आपकी फिक्र में बिता रहे हैं, बाद में ये आपसे वसूलेंगे सोच समय, फिर आप इनके पीछे भागेंगे, ये आपके पीछे नहीं भागेंगे। फिर आपको लगेगा कि आपको इनसे बहुत प्रेम है, ये अब आपको समझ नहीं रहे। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है। अगर आप ऐसे रिश्ते में फंस चुके हैं तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इस रिश्ते में आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो आपकी नज़र में खुद का मान सम्मान है ना, वो भी गिरता चला जाएगा। तो प्लीज़ डियर, अगर आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है, अब वो बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो गई हो, आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करने लगे हो, आपको लगा कि बस मुझे इतना ही चाहिए,
तो डियर, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से अच्छा है इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए आते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं आते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपने कुछ सीखा है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये रिश्ता मुझे कुछ सिखाने आया था। ऐसे धीरे धीरे ना इंसान की परख हो जाती है। लोग भीड़ में तो रहते पर भीड़ से अलग हो जाते हैं। जंगल जाने की ज़रूरत नहीं होती उन्हें कि सन्यासी बनना है तो किसी आश्रम में जाना है, योगी बाबा बन जाना, नहीं। ऐसी चीज़ों से ना वो खुद को जानने लगते हैं, दूसरों से उनका मोह खत्म होकर के खुद की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, अंतर यात्रा करने लगते हैं, बहिर यात्रा खत्म हो जाती है उनकी। जो बाहर के लोगों को जानने की जिज्ञासा होती है वो सब चीज़ें खत्म हो जाती, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो जान चुके होते हैं। उन्हें पहले से ही पता हो जाता है कि ये चंद दिनों का मतलब प्यार है, ये सारे रिश्ते चंद दिनों के हैं। तो डियर, फिर वो खुद से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। जैसे शीशे को साफ किया तो चेहरा नजर आया, अब खुद के मन को साफ किया तो परमात्मा नजर आया। तो डियर, ईश्वर पे आप भरोसा करिए, लोगों पे भरोसा मत करिए, आप खुद के बारे में सोचिए। तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ होंगी और कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों सिक्के के पहलू को समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो डियर, अगर ऐसे रिश्ते में आप फंस चुके हैं तो निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें कि आपकी खुशियाँ किस में हैं। परमात्मा का हाथ पकड़िए जो कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, सैड एनर्जी में रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ सैड ही होता रहेगा। फिर आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि जब आप दुखी रहेंगे तो दुख ही मिलेगा ना। जब आप सुख ही सोच रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, ईश्वर से मुझे बहुत प्रेम है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो देखना आपको है कि आप कर क्या रहे हैं। बीज आप बबूल का बो रहे हैं, आम खाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर नहीं मिलेगा ना। तो फिर आम का वृक्ष लगाइए ताकि आम ही मिले आपको। और अपना ख्याल जरूर रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप डियर इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, वर्तमान ये आपका भी हो सकता है और जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 2 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ADFIKNQTVZ, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रांग साइन है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, इसमें बहुत स्ट्रांग साइन ये है। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिससे आपको बहुत अच्छा रिश्ता रहा हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो, आपने इनकी मदद की हो, इन्हें स्टेबल किया हो, मतलब बहुत कुछ किया हो। तो डियर, अभी आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, हो सकता है कि इनसे आपका नो कॉन्टेक्ट हो,
अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो थोड़ी बहुत बात हो रही हो, लेकिन उतने अच्छे से ना हो रही हो। तो अभी जो ये हो सकता है कि आपकी तरफ से हो कि आप इनसे अच्छे से बात ना कर रहे हो, तो डियर ये आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये रास्ता भटक गए, एक तरह से रास्ता ऐसा भटक गया है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, सही सजेशन नहीं देते हैं। कहते हैं ना कि उनसे अगर अपनी बात को शेयर किया ना तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बताते हैं। वो आपको तो नहीं जानते ना, जैसे इन्होंने आपकी बातें किसी से शेयर की तो वो आपको नहीं जानते कि आप कैसे हैं, लेकिन वो अपने दिमाग के अनुसार बातों को सोच लेते हैं। जैसे आपने कोई एक शब्द बोला तो अगर किसी चार इंसान ने सुना तो वो चारों इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लगाते हैं, अलग अलग सोचते हैं। तो डियर कुछ ऐसे ही लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो सही तो नहीं सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव सोच करके नेगेटिव बातें इन्हें समझा देते हैं। तो डियर ये जो आपके रिश्ते में ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये किसी और की बातों में आ रहे हैं, ये अपना दुख दर्द किसी से शेयर करते हैं, तो वो इन्हें जैसा समझाते हैं इन्हें वैसे ही लगता है पल भर के लिए। तो हो सकता है इन्होंने गुस्से में आकर के कोई बात हुई हो, या फिर हो सकता है कि आपने इन्हें टाइम ना दिया हो, ज़्यादा बिजी हो, किसी भी तरह से हो सकता है कि आपने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई हो, तो किसी ने इनके कान भरे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप किसी और से मतलब बात करते हैं, अब वो जगह उनकी नहीं रही। तो डियर आप समझ लीजिए इस बात की वजह से ये बहुत गुस्से में, ये मेल हो फीमेल हो, तो ये आपसे प्रेम करते हैं लेकिन गुस्से में इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया होगा, आपको तो बोला ही बोला होगा लेकिन आपकी फैमिली को बोल दिया होगा। आज के टाइम में लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं ना कि किसी से लड़ाई होती है तो उसके साथ उसकी फैमिली को भी कह देते हैं, उसकी फैमिली से उसका रिश्ता हो या ना हो लेकिन उसकी फैमिली के बारे में ज़रूर बोल देते हैं। तो डियर इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया होगा, तो हो सकता है कि अब आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, या फिर आप बात ना कर रहे हो, या फिर आप बात कर रहे हो तो मतलब वो कम बात कर रहे हो, उतने अच्छे से आप बात ना कर रहे हो। तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं, पहले तो इन्होंने कर दिया, अब ये बहुत पछता रहे हैं कि हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, अब ये बहुत पछता रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी इंसान ना सब कुछ ठीक करने की कोशिश थोड़ा गलत तरीके से करता है, उसे ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा झुकेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं तो फिर बहुत नेगेटिव तरह से बात करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान इनके पास भागा भागा चला आएगा कि जब मैं उससे नेगेटिव तरह से बात करूँगा, उसे ऐसा दिखाऊँगा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान मेरे पास आ जाएगा। पर कभी कभी इंसान ये नहीं समझते कि इससे चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, जब तुम्हें ज़रूरत नहीं तो सामने वाला भी जीने की कोशिश करने लगता है, हर बार ये ट्रिक काम नहीं करती है। तो डियर इन्होंने ऐसा ही कुछ दिमाग लगाया है, इन्होंने जितने लोगों से ऐसी बात की है, या अभी तक हो सकता है कि आपसे भी ऐसी बात की हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो आप बहुत रोने लगे हो, बहुत परेशान हो गए हो, तो इन्होंने फिर से ऐसे ही किया है, तो ये अब बहुत पछता रहे हैं। वैसे ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग है कि जिनसे अभी उनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे तो वो अभी परेशान हैं, लेकिन बहुत जल्द वो आपसे बात करेंगे, बहुत जल्द ये आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें, इनके कॉल इनके मैसेज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपको कॉल मैसेज करें और आपसे बात करें। अच्छा, इनके माइंड में खुद के तो नेगेटिव विचार हैं लेकिन जो इनके आसपास लोग हैं उनके भी विचार इनके पास हैं, वो भी लोग इनको भड़का रहे हैं कि सब लोग ऐसे होते हैं, किसी पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, उसे अब तुमसे प्यार नहीं, अब तुम रो या फिर मर जाओ उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्हें कुछ ऐसा ही लग रहा है, ये जो इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे ना, इतने टाइम हो गए आपसे कॉल बात नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी आपको जवाब नहीं दे रहे, तो आप समझ लीजिए कि कोई इंसान ऐसा है जो इन्हें भड़का रहा है। क्योंकि आपको पता है मुफ्त का ज्ञान लोग बिन बुलाए भी देने आते हैं, तो कुछ ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो अपना ज्ञान इनके पास लुटाए पड़े हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपसे जलते हों जो इन्हें अभी इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है,
आपको लगा कि आपके पार्टनर समझेंगे, आपसे प्रेम करते हैं? ये आपसे प्रेम तो करते ही इन्हें पछतावा भी हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो इन्हें भड़का रहे हैं कि ये इतनी जल्दी आपसे माफ़ी ना मांगे, आपको कॉल मैसेज ना करें। आप ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े का मतलब है किसी तीसरे का होना। 80% आपके रिश्ते में तीसरे पर्सन का ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा मतलब दिमाग चलाना है, और ये तीसरे इंसान की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इस वजह से ये आपको कम समझ पाते हैं, लेकिन जब ये खुद को अकेला पाते हैं ना, जब आप सच में कोई कदम उठा लेते हैं, तो ये बहुत पछताते हैं। तो अभी ये पछता रहे, लेकिन अभी इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये सबकी बातों को छोड़ करके आपके लिए एक्शन ले लें। अभी इनकी ऐसी एनर्जी नहीं है। और आप भी अगर इनकी बातों में आते हैं या फिर अपनी तरफ से कोई फैसला करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये आपसे कहेंगे कि हमने तुम्हें थोड़ी ना बुलाया था, हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था बात करो। तो फिर सोच समझ के थोड़ा सा वक्त लगेगा, वक्त के हिसाब से आपके रिश्ते में जो भी ठीक होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, ये खुद आपके पास लौट कर आएंगे। इनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, ये आपके पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपके जैसा इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। कहते हैं ना, कोई किसी के लिए बना होता है तो उसके जैसा फिर कोई नहीं मिलता, तो ये आपके लिए बने, आप इनके लिए बने। कोई कितना भी लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन एक टाइम पर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।